म्यूजिक से जुड़ी हर बात जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्टार पायल वत्स और बेल आइकन को दबाएं हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। धन्यवाद। और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने भाव हमारे तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद। जय माता दी दोस्तों, राधे राधे, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अपने घर में कुशल मंगल होंगे, जहाँ पर भी होंगे। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ढोलक बजाना। तो आज हम ढोलक बजाना सीखेंगे। जो कीर्तन में माता की आरती होती है, जागरण में, कीर्तन में माता की आरती होती है, शिव शंकर भगवान की आरती होती है, गोपाल जी की आरती होती है, आप बहुत ही इजी स्टेप्स में मैं आपको ढोलक बजाना सिखाऊंगी। तो आप ध्यान दीजिएगा कि कैसे मैं आपको बता रही हूँ। बहुत ही अच्छी लगती है दोस्तों ये ढोलक, आप चाहे कीर्तन में बजाएं, बहुत अच्छी लगती है सुनने में, और यही ढोलक बजाई जाती है। तो मैं आपको बहुत आसान तरीके से आज बताने जा रही हूँ। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ढोलक कैसी लगी। और आज जो मेरे चैनल पर कोई भी नया है तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाल बटन है वहाँ पे घंटे का, उसको दबा दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आइए सीखते हैं। देखिए, ये दोस्तों ढोलक है और ये जो ढोलक का बड़ा पार्ट होता है ना, ये इसे हम बेस बोलते हैं। बेस तो जिससे पे हम जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है उससे हम इस पे बजाते हैं। और ये जो होता है ढोलक का छोटा पार्ट, इसको चाटी बोलते हैं। इस पे हम फिंगर को चलाते हैं। ये जो ढोलक का होता है, ये छोटा पार्ट होता है, इसको हम फिंगर को चलाते हैं ऐसे ऐसे। तो दोस्तों, आइए सीखते हैं ढोलक बजाना। तो देखिए, आपने दो बार इस पे मारना है। कैसे? एक दो, फिर तीन, फिर चार और फिर पांच। पांच पे देखिए ये वाली फिंगर बजेगी और फिर छह पे ये तीन उंगलियां। पांच पे ये वाली फिंगर लगेगी और ये वाली फिंगर उठ के ऊपर हो जाएगी, फिर उसी जगह पे आपने तीनों फिंगर अपनी रख लेनी है। सबसे पहले आप देखिए ढोलक पर ऐसे बजा बजा कर अपनी धुन निकालिए, आवाज निकालिए। क्या होता है कि दोस्तों, जब हम ढोलक बजाना स्टार्ट करते हैं शुरू शुरू में, जिनको बिल्कुल भी ढोलक नहीं आती है तो ढोलक में से आवाज नहीं निकलती है, उनको लगता है हमारी ढोलक में से तो आवाज ही नहीं आ रही, हम बजा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी आवाज ढोलक में से जरूर निकलेगी। शुरू शुरुआत में नहीं निकलती है, वो भी मैं आपको बताती हूँ क्यों। क्या होता है, हम बहुत टाइट हाथ से ढोलक पे हाथ बजा देते हैं, जिससे हमारी ढोलक की आवाज अच्छी नहीं निकलती। आपने जब भी बजाना है तो आपने हमेशा देखिए वाइब्रेशन होती है ना, हमेशा जो साउंड निकलता है वाइब्रेशन के कारण निकलता है। तो आप जब भी ढोलक बजाएं तो हमेशा जो आपके हैंड्स हैं उनको लूज करके बजाएं, टाइट हाथ आपने नहीं बजाना है। और आपने देखिए यहाँ पर बजाना है, यहाँ बीच में नहीं बजाना है आपको। देखिए यहाँ अगर आप बजाएंगे तो आपकी जो आवाज है ढोलक की वो नहीं आएगी। जब आप यहाँ बजाते हैं तो देखिए कितनी अच्छी आवाज आती है, सुनने में भी कानों को बहुत सुंदर लगती है। अगर आप यहाँ बजाएंगे तो देखिए बिल्कुल आवाज नहीं आएगी। ऐसे यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, आपने यहाँ बीच में नहीं बजाना है, यहाँ साइड पे, ये जो किनारी होती है ना ढोलक की, देखिए इस किनारी पे ही आपने बजानी है अपनी फिंगर। तो देखिए, छः पाँच छः छः पाँच छः छः पाँच छः छः। तो आप
इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिए कि जब भी आप ढोलक बजाएं तो बहुत ज्यादा टाइट हाथों से आपको ढोलक नहीं बजानी है और किनारों पर ही ढोलक बजानी है, बीच में अभी आपने ढोलक नहीं बजानी है। वो हम आगे आगे सीखेंगे कि बीच में कैसे ढोलक बजाते हैं। और दोस्तों आप ध्यान से बस देखते रहिए, और अगर आपके पास ढोलक है तो उठा लीजिए अपनी ढोलक और मेरे साथ साथ आप प्रैक्टिस कीजिए। जैसे मैं ढोलक बजा रही हूँ आप अपनी ढोलक की प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ। अगर किसी के पास ढोलक नहीं है तो आप अपने पैरों की चोकड़ी मार लीजिए और ये आपके जो दोनों घुटने होते हैं इनको ढोलक समझ लीजिए, और इसके ऊपर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जिनके पास ढोलक नहीं है। पर जिनके पास ढोलक है वो अपनी ढोलक उठाइए, और जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ आप भी मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए कि मैं ढोलक कैसे बजा रही हूँ। बहुत इजी है, बस देखिए आपने दिल लगाना है। कहते हैं काम कोई मुश्किल नहीं होता, बस दोस्तों हमें थोड़ा सा दिल लगाना होता है। ऐसे नहीं है कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं दिल दिमाग आपका कहीं और है तो ऐसे आपको ढोलक नहीं आएगी। और वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखें ताकि आपको बहुत जल्दी ढोलक बजानी आ जाए अंबे माँ की आरती पर। तो देखिए कैसे बजानी है ढोलक, एक दो तीन, फिर यहाँ पे चार और यहाँ पे पाँच छः। पाँच छः पे मैंने आपको बताया कि आपने ऐसे ही बजानी है, पाँच छः, पाँच पे यहाँ छः पे यहाँ। तो देखिए कैसे, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः। पहले आप धीरे धीरे समझिए और इसको बजाइए, फिर जब आप इसको फास्ट बजाने लगेंगे तो आपकी एक बहुत अच्छी धुन निकल कर आएगी ढोलक में से। पर आप धीरे धीरे पहले समझिए मैं कैसे समझा रही हूँ और धीरे धीरे बजाइए। कैसे, एक दो तीन चार पाँच छः, 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 एक दो तीन चार पाँच छः। देखिए एक दो तीन चार, उस पे तो आपने सीधा सीधा ऐसे ही मार बजाना है, और पाँच छः, पाँच पे ये वाली फिंगर यहाँ किनारे पे, और छः पे वो उंगली ऊपर उठ जाएगी और छः पे ऐसे बज जाएगी, पाँच छः। देखिए मैं आपको यहाँ से बजा के बताती हूँ ये जो बड़ा पार्ट है, एक दो तीन चार फिर पाँच छः, एक दो तीन चार, और यहाँ पर भी देखिए मैं आपको बजा के बताती हूँ, एक दो तीन चार पाँच छः। तो बहुत ही इजी है, बस आपने प्रैक्टिस करनी है। एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः। पहले आप धीरे धीरे बजाइए, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः। मैं क्या कर रही हूँ, जो एक दो है गिनती उसमें थोड़ा जल्दी बजा रही हूँ, एक दो तीन, एक दो तीन, इसकी प्रैक्टिस कीजिए आप पहले, एक दो तीन, 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 फिर एक दो तीन चार, 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 फिर पाँच छः। पाँच छः पे मैंने आपको बताया कि पहले ये वाली फिंगर से आएगी पाँच और छः, एक दो तीन चार पाँच 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 छः। दोस्तों
क्या होता है कि जब हम ढोलक बजाना सीख रहे होते हैं और जब हम बजाते हैं जब स्टार्टिंग में, तो क्या होता है हमारी फिंगर्स भी बहुत दर्द करने लगती हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आप अपनी फिंगर्स को देखिए, ऐसे 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 आप कर लीजिए, तो उससे क्या आपकी फिंगर्स थोड़ी खुल जाएंगी और आपकी फिंगर्स में दर्द भी नहीं होगा, इनको रेस्ट मिलेगा। ये एक्सरसाइज आप करिए, ऐसे ऐसे अंगूठे को अंदर करके फिंगर्स को ऐसे ऐसे करिए, तो आपके अंगूठे को रेस्ट मिलेगा। और फिर आपने ऐसे ऐसे करके फिंगर्स और थंब को ऐसे आपने खोलना है और बंद करना है। इससे क्या है, आपके फिंगर्स नहीं दुखेंगी। बीच बीच में आप ऐसे प्रैक्टिस कर लीजिए, करिए तो आपके फिंगर्स नहीं दुखेंगे और फिर आप ढोलक बजाइए। होता है स्टार्टिंग में हमारे हाथों में दर्द होने लगता है। तो कैसे बताया मैंने आपको, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच। अभी हम अम्बे माँ की आरती के साथ भी मैं आपको इसको बजा के दिखाऊंगी। पर आप पहले ये प्रैक्टिस कीजिए धीरे धीरे जो मैं आपको बता रही हूँ, मेरे साथ साथ बजाते रहिए। बार बार वीडियो को देखिए और मेरे साथ साथ आप इसके ढोलक को बजाइए। कैसे, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः। आपने टाइट हाथ से ढोलक को नहीं बजाना है। अगर देखिए टाइट हाथ से आप ढोलक को बजा देंगे ऐसे, तो देखिए कितनी बेकार आवाज आती है, कानों को सुनने में भी नहीं अच्छी लगती। और अगर हम किसी गाने के साथ बजाएं तो सामने वाले को भी नहीं सुनने में अच्छी लगेगी। तो ढोलक पर जब भी आप कभी बजाएं तो टाइट हाथ आपने नहीं रखना है, नहीं तो ऐसे आवाज आएगी, ऐसे 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 आपने नहीं बजाना है। तो आपने अपना जो हाथ है उसको लूज कर ही बजाना है, तभी वाइब्रेशन इसमें से निकलेगी और वाइब्रेशन से ही साउंड निकलता है। देखिए हो रही है ना, एक वाइब्रेशन दूर तक आवाज जाती है। ऐसे आपने यहाँ बीच, यहाँ जो बीच है यहाँ पर आप नहीं बजाएंगे। देखिए कितनी दबी दबी आवाज आती है, बेकार। और अगर आप यहाँ बजाएंगे तो देखिए कितनी अच्छी आवाज निकलती है, हमें खुद को भी सुनने में अच्छी लगती है और सामने वाले को भी बहुत अच्छी लगती है। और जब जब आप ढोलक धीरे धीरे बजाना सीख जाएं, तो पहले आप खुद अपने गाने पर गाना गाइए और फिर उसके साथ साथ आप ढोलक बजाइए। तो उससे क्या है, आपका जो गाने का और ढोलक का जो मेल है वो बैठ जाएगा। ऐसे नहीं है कि आपने दो दिन ढोलक बजाई और किसी के गाने पे बजाने लगे तो वो क्या ढोलक ऐसे ना हो कि सुनने में थोड़ी बेकार लगे और अच्छी ना लगे। तो आपने प्रैक्टिस भी खूब करनी है। दो तीन चार पाँच, एक 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 दो तीन चार पाँच। फिर इसको आपने थोड़ा फास्ट कर देना है। देखिए कैसे, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, चार पाँच, एक दो तीन 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 चार पाँच। तो आपने अपनी काउंटिंग क्या, पहले धीरे धीरे बजाइए। कैसे, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, फास्ट करते जाइए फिर धीरे धीरे काउंटिंग को। एक दो तीन चार पाँच, ऐसे आपको बहुत ही इजी स्टेप्स में मैंने आपको ढोलक बजाना बताया और बहुत जल्दी आप इसको सीख जाएंगे। बस थोड़ा दिल लगाना चाहिए कि आप जब आप इसको बजाएं तो आप मन आपका होना चाहिए कि हमें सीखनी है। तो आप बिल्कुल इसको तीन चार दिन में प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से तो आपको बिल्कुल आ जाएगी अच्छे से। तो दोस्तों आइए
बजाते हैं ढोलक माता रानी की आरती पे। दोस्तों आपने देखा कि जो मैंने आपको बहुत ही इजी स्टेप्स के साथ आज एक ढोलक बजाना सिखाया कि भजन कीर्तन में भी आप इसको बजा सकते हैं, पर मेन ये जो ढोलक है ये आरती होती है जब कोई भी उस पर बहुत ही अच्छी लगती है, तो वो मैंने आपको बजानी सिखाई गिनती के साथ बड़े आसान तरीके से मैंने आपको बताया। तो मैं आशा करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो लाभदायक होगी, आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके जितने भी दोस्त हैं उन सभी के साथ, माताओं बहनों के साथ, माताएं हैं बहनें हैं जो सीखना चाहती हैं ढोलक, उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर करें। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद, नमस्ते जी, जय माता।